नमस्कार, हरियाणा के मौसम अपडेट में आपका स्वागत है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण 4 से 6 जनवरी तक पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ का मौसम प्रभावित रहेगा। मौसम विभाग की माने तो 5 जनवरी को चंडीगढ़ के साथ साथ पंजाब व हरियाणा के कई जिलों में तेज बारिश होने का अनुमान है। इसके लिए चेतावनी भी जारी कर दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार 4 जनवरी को चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश व गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना बनी हुई है। 5 जनवरी को हरियाणा में अधिकांश स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश हो सकती है, जबकि पंजाब के उत्तरी भागों में छिटपुट स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है। पंजाब और हरियाणा के उत्तरी, पश्चिमी और दक्षिणी पश्चिमी हिस्सों में अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ आंधी, बिजली और ओलावृष्टि होने की संभावना है। इसके बाद एक और तीव्र पश्चिमी विक्षोभ के 6 जनवरी की रात उत्तर पश्चिमी भारत को प्रभावित करने की संभावना है। इसके प्रभाव से 7 और 8 जनवरी के दौरान चंडीगढ़ सहित पंजाब, हरियाणा में फिर से बारिश हो सकती है। इस अवधि के दौरान चंडीगढ़ सहित दोनों राज्यों में कई स्थानों पर गरज के साथ आंधी और बिजली गिरने की संभावना बताई गई है। तो ये मौसम का हाल है, जिसमें हिदायतें भी जारी की गई है। सावधानी से गाड़ी चलाएं, कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर रखें, सिंचाई उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग से बचें, गरज व बिजली के दौरान पेड़ों के नीचे खड़े न हों और जलाशयों के पास भी ना जाएं। तो ये एडवाइजरी भी मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है, जहां पर अब ये आशंका बताई गई है कि आज और कल हरियाणा के कई स्थानों पर तेज बारिश होने की संभावना वो बनी हुई है। फिर से आपको बताते हैं कि किस तरीके से प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। और मौसम विभाग के मुताबिक 5 और 6 जनवरी को एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे बारिश के आसार हैं। मालूम हो कि इससे पहले भी 24 और 25 दिसंबर को सूबे में एक पश्चिमी विक्षोभ की गतिविधियां हुई थी, जिसकी कहीं कहीं बूंदाबांदी हुई थी। मौसम विभाग का कहना है कि इसी सप्ताह में जो पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होना है, इससे पहले के बजाय ज़्यादा सक्रिय होगा। इससे उम्मीद की जानी है कि फसलों की जरूरत के मुताबिक बारिश हो सकती है। लोगों को शीतलहर से कुछ राहत मिली है। हालांकि राज्य में हिसार के न्यूनतम तापमान में गिरावट का सिलसिला भी जारी है। यहां पर भी रविवार को अगर हम बात करें तो 1.6 डिग्री सेल्सियस जो कि आंका गया था। वहीं पर इसी सप्ताह पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के आसार हैं, जिससे राज्य में मौसम बदलाव आएगा। सूबे में बारिश हो सकती है, जिससे रबी की फसलों को लाभ है वो होगा। हरियाणा, दिल्ली, NCR समेत कई इलाके हैं और इसके राज्य जहां पर मौसम को लेकर अलर्ट और ओलावृष्टि की संभावना बताई गई है। आपको सतर्क हो जाना है, क्योंकि मौसम में अचानक परिवर्तन होगा। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने ताज़ा मौसमी परिस्थितियों को देखते हुए संभावना जताई है कि उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में बरसात और ओलावृष्टि का सिलसिला 5 जनवरी से शुरू हो सकता है। और एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक मैदानी इलाकों में प्रेरित चक्रवाती परिसंचरण के गठन के साथ आने की संभावना है। तो 5 जनवरी से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, NCR, उत्तरी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में एक बार फिर से बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। तो आप सभी से गुजारिश है, आप तमाम बातों का ध्यान रखें और अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। एहतियातन मास्क का इस्तेमाल भी जरूर करें। फिलहाल हरियाणा के इस मौसम अपडेट में इतना ही। शुक्रिया।